आज के ताजा मौसम समाचारों की अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज। देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की संभावना, तो देश के किन किन राज्यों में अब और बढ़ेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो यूपी बिहार झारखंड समेत इन राज्यों में बदला है मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई है बारिश। दिल्ली, यूपी और झारखंड, पंजाब में लगातार मौसम खराब बना हुआ है। बिहार के कई इलाकों में पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने 24 घंटों में कुछ इलाकों में बहुत तेज हवा के साथ कई जगहों पर तेज बारिश की बात कही है। वह कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी तो कुछ इलाकों में यहाँ पर तेज बारिश होगी और हवा की रफ्तार जो है 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। दरअसल मौसम विभाग ने बताया है कि आज दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर हिस्सों में आकाश में बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश या बौछारें पड़ सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के मुताबिक दिल्ली में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान 21 डिग्री के आसपास रहने के आसार है। वही मौसम विभाग के मुताबिक आज उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने अधिकांश जगहों पर तेज गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही कई जगहों पर बिजली और ओले भी यहां पर गिर सकते हैं। वहीं यूपी में आंधी की जो रफ्तार जो है 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आज तमिलनाडु रॉयल सीमा के घाट क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर हल्की और मध्यम तो कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। यानी कुल यहाँ पर कुल मिलाकर जो है दक्षिण के राज्यों में भी मौसम जो है बिगड़ेगा और कई इलाकों में बारिश होगी। वही हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिण कर्नाटक और उसके अलावा केरल के कुछ हिस्सों में हल्की मध्यम लघु इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। वही मौसम विभाग ने आंधी बारिश और ओले के कारण यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और इसके अलावा झारखंड, गंगी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वही मौसम विभाग के मुताबिक आज उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में भी बारिश और बिजली आंधी यानी हवा की रफ्तार जो है 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना है। वहीं कुछ इलाकों में यहाँ पर इसे तापमान में जबरदस्त गिरावट देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के कई जगह पर बिजली गिरने के साथ ओलावृष्टि हो सकती है, इस तरह का अपडेट निकल कर आ रहा है। वही मौसम विभाग ने IMD ने मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, रॉयल सीमा, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु में और पुडुचेरी और कराईकल और इसके अलावा केरल और माहे में भी अलग स्थानों पर बिजली और तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है, जबकि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात राज्य और लक्षद्वीप में अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने के साथ ही बारिश हो सकती है, इस तरह की जानकारी यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से दी गई है। बात अब करते हैं राज्यवार मौसम विभाग के समाचारों की। सबसे पहले आज बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के राज्य के मौसम के बारे में, तो छत्तीसगढ़ के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। दरअसल मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आने वाले 18 घंटों के दौरान कई जिलों में यहाँ पर झमाझम बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। वहीं कल सुबह से यहाँ पर कुछ इलाकों में जोरदार बारिश हुई, आज भी बारिश हुई है। रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव और इसके अलावा बस्तर, बिलासपुर में बारिश देखने को मिली है। रायपुर मौसम विभाग के मुताबिक इन जिलों के अंदर चेतावनी जारी की गई, जिनमें रायगढ़, राजनांदगढ़ गांव और इसके अलावा दुर्ग, धमतरी और कोड़ागांव, नारायण, दंतेवाड़ा, बस्तर और बीजापुर जिले शामिल हैं। इन इलाकों में अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। बात अब करते हैं राजस्थान के मौसम की, अब बात कर लेते हैं राजस्थान में किस तरह का रहने वाला है मौसम। तो बता दें आपको कि राजस्थान में कई इलाकों में तेज बारिश हुई है, बारिश जो है काफी तेज हुई है कई इलाकों में, जिससे यहाँ पर राजस्थान में मौसम जो है लगातार बदला हुआ है। दरअसल नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में बीते 24 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के जयपुर के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य के अधिकतर भागों में हल्की मध्यम बारिश दर्ज की गई। इस दौरान सर्वाधिक बारिश शाहपुरा, भिलवाड़ा का ये इलाका है, 75 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा निमराणा, ये है अलवर का इलाका, यहाँ 60 mm बारिश रिकॉर्ड हुई है। इसके अलावा खेतड़ी, ये झुंझुनू का इलाका है, 50 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। फलोदी, जोधपुर में भी 35.6 मतलब जो बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। फलोदी अभी जिला बन गया है, यहाँ पर 35.6 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा राजधान जयपुर में 7.6 डिग्री बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है। मौसम विभाग केंद्र की ओर से ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। हालांकि राज्य के उत्तरी पूर्वी भागों में आंधी बारिश का दौर जारी रहने की भी संभावना है और एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी आज से सक्रिय होने जा रहा है, जिसके कारण आंधी बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी और ये 3 मई तक, इस तरह की जानकारी यहाँ पर दी गई है कि 3 मई तक ये तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। आगामी एक हफ्ते के दौरान अधिकतम तापमान औसत 3 से 5 डिग्री नीचे रहेगा, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बात अब राजस्थान के बाद अब बात कर लेते हैं
एमपी यानी मध्य प्रदेश के मौसम की, तो आखिर एमपी का मौसम भी कैसा रहने वाला है, तो बता रहे आपको कि मध्य प्रदेश में बारिश ने जो है पिछले 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दरअसल बात यह है कि एमपी में जो है कुछ इलाकों में कल बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि होने के साथ साथ आंधी तूफान आया, जिससे राज्य में मौसम सुहाना हो गया, लोगों को गर्मी से राहत मिली। वही मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है, राज्य के कई इलाकों में बारिश हो सकती है, इस तरह की जानकारी जो है वो भी दी गई है। वही मौसम विभाग ने अमेरिकी भोपाल केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार आज सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच 9 घंटे छतरपुर जिले में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जो है खुजारो, वहां पर 44.4 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि भोपाल शहर में 31 mm बारिश रिकॉर्ड हुई है। वही मौसम विभाग एआईएमडी द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश के जबलपुर, मंडला और डिंडोरी बालाघाट में पिछले 24 घंटों में अच्छी बारिश रिकॉर्ड हुई है, कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश भी हुई है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अभी हवा चलने का अलर्ट भी जारी किया गया और ऑरेंज अलर्ट इलाकों में जारी कर दिया गया है। इसके अलावा मौसम विभाग ने सर्दी में यहाँ पर प्रदेश के नर्मदापुरम चंबल संभाग के जिलों में और गुना, भोपाल, दतिया, धार और इंदौर, ग्वालियर, शिवपुरी और उज्जैन सागर के अलावा शाहजहांपुर में भी कई कई अल्पकालिक ओलावृष्टि और गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी दी है। बात अब बिहार के मौसम की कर लेते हैं, क्योंकि बिहार में भी लगातार जो मौसम का असर जो है लगातार देखने को मिल रहा है। दरअसल बिहार के अंदर अभी जो है 61 दिनों से यहाँ पर सामान्य से 32 फीसदी अधिक जो बारिश जो है इस बार दर्ज की गई है। दरअसल बात यह है कि बिहार में दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश से होते हुए झारखंड तक साइक्लोनिक सर्कल का प्रभाव रहा है, इसके कारण पटना, सारण और रोहतास और इसके अलावा सुपौल, औरंगाबाद, बेगूसराय, खगड़िया, नालंदा में बारिश हुई है। पटना में कल जो है दोपहर जमकर बारिश हुई, 80 मिनट में यहाँ पर 20 mm तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ ही कुछ जगह पर ओलावृष्टि भी देखने को मिली है। वही मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है, इससे बिहार के सभी हिस्सों में मतलब आंधी तूफान और ओलावृष्टि का दौर जो है जारी रहने के आसार है। वही 3 मई से मौसम परिवर्तन होगा, इससे 27 जिलों में मौसम शुष्क रहेगा और बारिश का सिस्टम निष्क्रिय होगा और कई इलाकों में जो है यहाँ पर एक बार फिर जो है गर्मी का असर जो है फिर देखने को मिलेगा। बिहार के बाद आपको झारखंड ले चलते हैं, क्योंकि झारखंड में भी काफी जो मौसमी बदलाव जो है देखने को मिल रहा है, यानी झारखंड में मौसम काफी तेजी से काफी जोर से यहाँ पर बदल रहा है। दरअसल झारखंड में रांची में कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं, बारिश होगी और ओलावृष्टि की चेतावनी यहाँ पर दी गई है। दरअसल झारखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है, राजधानी रांची सहित आसपास के जिलों में लगातार बारिश का पूर्वानुमान जारी हो रहा है और बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग ने 24 घंटों के दौरान इस तरह की बदलाव जो है उसके आसार जताए। पिछले 24 घंटों में कई जिलों में बारिश के साथ वज्रपात हुआ है, साहिबगंज और पाकुन में भी यहाँ पर वज्रपात की घटना भी यहाँ पर हुई है। वही यहाँ पर हवाएं भी चली है, जो हवाएं है वो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रही है। वही मौसम विभाग के रांची ने राजधानी सहित आसपास के जिलों में ओलावृष्टि और मतलब वज्रपात और ओलावृष्टि की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि होगी, इसमें छतों, छपरों और वाहनों सहित अन्य संपत्तियों को नुकसान हो सकता है। ओलावृष्टि की वजह से फसलों को नुकसान होने की भी आशंका है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि बारिश और वज्रपात के समय इलेक्ट्रिक उपकरणों का इस्तेमाल करने से बचें, इस तरह का जो मतलब एडवाइजरी वो जारी की गई है।